आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में सबसे अजीब और गरीब हरकतें जिस फ्रेंचाइजी ने की वो थी राजस्थान रॉयल्स। 13 करोड़ का बजट लेकर के वो ऑक्शन में गए थे और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जेसन होल्डर जैसे ऑलराउंडर्स को वो अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे बिकॉज लास्ट सीजन उनकी बैटिंग डेप्थ और छठे बॉलिंग ऑप्शन की उनकी टीम में बहुत कमी खल रही थी। उसके अलावा डेथ बॉलिंग का भी उनके पास एक बड़ा लोचा था, लेकिन उससे पहले अपना पूरा बजट उन्होंने हैरी ब्रूक पर लगा दिया था। 13 करोड़ रुपए तक वो उनकी बोली लगा चुके थे, यानी कि जितना बजट उनके पास बाकी बचा हुआ था। अगर मैं वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के डगआउट में होता तो मैं कहता हैरी ब्रूक पर अपना बैट नीचे रख दो, हैरी ब्रूक को जाने दो, राजस्थान रॉयल्स का खेल, उनका पूरा आईपीएल 2023 का ऑक्शन और उसके साथ-साथ पूरा आईपीएल 2023 वहीं पर खत्म हो जाता। ना ही वो किसी को बतौर बैकअप अपनी टीम में ले पाते, ना ही और भारतीय खिलाड़ियों को खरीद पाते, सब कुछ चौपट हो जाता। बट सनराइजर्स हैदराबाद से मुझे इतनी दूरदेशी वाली सोच की उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने आगे बोली हैरी ब्रूक पर लगा दी और ब्रूक को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। लेकिन अब अगर राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड पर नजर डालें और उसके साथ उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो टीम ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर राजस्थान रॉयल्स के हम ऑक्शन बायस की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जेसन होल्डर को अपने स्क्वाड में शामिल किया जहां पर वो काफी लकी रहे। उसके बाद डोनोवन फरेरा, कुणाल राठौर, एडम जैम्पा, के एम आसिफ, मुरुगन अश्विन, आकाश वशिष्ठ, अब्दुल पीए और जो रूट को सरप्राइजिंगली राजस्थान रॉयल्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये मुझे इतना ज्यादा इस पर अभी तक मेरा रिसर्च जो भी मेरा दिमाग था वो इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर आपने जो रूट को ही अपने स्क्वाड में लेना था तो जिस समय रायली रोसो अनसोल्ड जा रहे थे आप उन पर अपना हाथ खड़ा कर सकते थे, या फिर आप किसी ऑलराउंडर को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते थे, सिकंदर रजा पर आप थोड़ा सा बिडिंग वॉर कर सकते थे पंजाब की जिनको 50 लाख में ले गई, या फिर आप रैसी वेंडर डुसेन को भी अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते थे। हालांकि उनका बजट जरूर 2 करोड़ था, लेकिन जो रूट क्या इस टीम में फिट बैठेंगे, क्या अगर जॉस बटलर को कुछ होता है तो क्या आप जो रूट को अपनी टीम में खिलाओगे, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। और मोस्टली वो बेंच पे ही काफी ज्यादा सीजन बिठाएंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि एड वैड में थोड़ा सा काम करवाने के लिए भी हो सकता है एंड में उन्होंने जो रूट को अपने स्क्वाड में शामिल किया हो। लेकिन अगर आप राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों पर नजर डालो तो सबसे पहले यहां पर संजू सैमसन है कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेजमायर, देवदत्त पड्डीकल, बटलर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, जो रूट, आकाश वशिष्ठ, कुणाल राठौर और डोनोवन फरेरा को इन्होंने बतौर बल्लेबाज अपनी टीम में शामिल किया है। अब संजू सैमसन के थोड़े से बैकअप के तौर पर डोनोवन को इन्होंने लिया है, वो अच्छे विकेट कीपर बताए जा रहे हैं और T20 फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर भी बताए जा रहे हैं। काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा ये देखने के लिए कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अगर उनको मौका मिलता है, बिकॉज देवदत्त पड्डीकल को ये टीम अगर नंबर 4 पर खिलाती और उनसे परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आती तो डोनोवन को भी ये नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवा सकते हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर की तरफ चले तो सिर्फ 3 ऑलराउंडर इस टीम में है जिसमें जेसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन और अब्दुल पीए का नाम आता है। वहीं गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, ओबेद मैकॉय, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, केसी करियप्पा, के एम आसिफ और मुरुगन अश्विन को इस टीम ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। ऑलराउंडर्स इस टीम के पास सिर्फ 3 है, वो भी तब जब आप रविचंद्रन अश्विन को उस लिस्ट में इंक्लूड करो। अगर आप चाहो तो रियान पराग का नाम भी उस लिस्ट में डाल सकते हो, लेकिन उनसे जबरदस्ती बॉलिंग करवाई जाती है बिकॉज इस टीम के पास छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है और जहां जरूरत पड़ती है ये रियान पराग को गेंद थमा देते हैं। लेकिन गेंदबाजों की तरफ अगर हम चले तो ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सिंह, अच्छे फास्ट बॉलर्स इनके पास हैं, ओबेद मैकॉय हैं और जेसन होल्डर के आ जाने से अब वो जहां पर ये ओबेद मैकॉय को खिलाते थे बल्लेबाजी लंबी करने के लिए अश्विन को नंबर 3 नंबर 4 पर भेजना पड़ता था, वो काम अब इनको नहीं करना पड़ेगा। आप वहां पर जेसन होल्डर का अच्छा फायदा उठा सकते हो और नंबर 7 पर आपको एक प्रोबेबल हिटर मिलता है जो कि आपकी बल्लेबाजी को थोड़ा सा लंबा जरूर करता है और उसके साथ साथ आपकी गेंदबाजी में भी थोड़ी सी मदद वो जरूर करेंगे, तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर वो खेलेंगे। और ओबेद मैकॉय को मोस्ट प्रोबेबली अब टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आप कुलदीप सेन जैसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर इस टीम की स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो यहां पर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ राजस्थान रॉयल्स की है कि उनके पास मैच विनिंग बल्लेबाज हैं, इंडियन स्पिन कंटिंजेंट उनका बहुत अच्छा है और जेन्युइन विकेट टेकर गेंदबाज इस टीम के पास है। अगर इनके बल्लेबाजों की बात करें तो आपके पास बटलर हो गए, जायसवाल हो गए जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, संजू सैमसन हो गए, रियान पराग हो गए जिन्होंने कुछ अच्छी पारियां भी खेली इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में, शिमरॉन हेजमायर हो गए वो भी आपके पास है, तो ये बड़े मैच विनिंग बल्लेबाज हैं। जेसन होल्डर भी बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहां पर एक जो पिछले साल स्ट्रेंथ थी राजस्थान रॉयल्स की वही स्ट्रेंथ इस बार भी इनके पास है कि T20 फॉर्मेट के अच्छे मैच विनिंग बल्लेबाज इनके पास है। वहीं चहल और अश्विन के अलावा मुरुगन अश्विन को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, केसी करियप्पा ऑलरेडी इनके पास थे, उसके साथ साथ एडम जैम्पा के रूप में एक अच्छा स्पिन बॉलिंग इन्होंने एक्वायर किया है
ऑस्ट्रेलिया से अगर आपको लगता है कि ठीक है नहीं रन बन रहे हैं यहाँ पे, यही विकेट नहीं ले पा रहे हैं युजवेंद्र चहल और अश्विन, तो आप किसी एक की जगह एडम जैम्पा को ट्राई कर सकते हो। ट्रेंट बोल्ट को आप बाहर बिठा करके बोल्ट और जैम्पा में अपना इंपैक्ट प्लेयर भी घुमा सकते हो। अगर ट्रेंट बोल्ट की प्रदर्शन भी देखना होगा किस तरीके से वो करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा बैकअप यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने तैयार जरूर किया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट इट ऑलवेज गुड टू हैव द बैकअप्स। वहीं वीकनेस भी पिछले साल की तरह ही इस टीम के साथ सेम टू सेम बनी हुई है। पहले तो इनकी वीकनेस है कि डेथ बॉलिंग इस टीम की अभी भी थोड़ी सी कमजोर बनी हुई है और बैटिंग रिप्लेसमेंट्स इस टीम के पास बहुत अच्छे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जेसन होल्डर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स से बिडिंग वॉर में ये थोड़े से लकी हो गए, सीएसके ने पेडल उठाने में देर कर दी और 5 करोड़ 5.5 करोड़ में ये जेसन होल्डर को ले गए। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा अच्छा बैटिंग रिप्लेसमेंट ये एक्वायर नहीं कर पाए जो कि रियान पराग, पड्डिकल, सैमसन, जायसवाल ऐसे किसी खिलाड़ी को रिप्लेस कर सके। जो भी युवा खिलाड़ी हैं वो अभी अनटेस्टेड हैं और उनको आईपीएल के डीप वाटर्स में अभी खुद का टैलेंट प्रूव करना होगा। वहीं डेथ बॉलिंग अभी भी इस टीम की कंसर्न है। ठीक है, जेसन होल्डर ने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर दी है, लेकिन वो कोई ऐसे गेंदबाज नहीं है जो कि आउट एंड आउट डेथ बॉलर हो। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ डेथ बॉलिंग का इशू ऑलरेडी बना हुआ है और कुलदीप सेन से इस टीम को बहुत उम्मीदें होंगी बिकॉज मोस्ट लाइकली ये टीम उन्हीं का इस्तेमाल करेगी एज एन इंपैक्ट प्लेयर इन मोस्ट ऑफ द गेम्स, क्योंकि इस टीम के पास छठा गेंदबाज नहीं है इन द प्लेइंग 11 इटसेल्फ, तो ये कुलदीप सेन का वहां पर इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो इनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन डेथ बॉलिंग में जहां पर कंटेन का मामला आता है वहां पर ये टीम हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए जरूर दिखाई देगी। ऐसे में इनकी प्लेइंग 11 अब काफी ज्यादा सेटल नजर आ रही है। ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ, जॉस बटलर, देन संजू सैमसन, देवदत्त पड्डिकल, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल इस टीम की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आप मुर्गुन अश्विन हो गए, कुलदीप सेन हो गए, इन खिलाड़ियों को एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो। देवदत्त पड्डिकल को ये टीम को मेरे हिसाब से नंबर 3 पर बैटिंग करवानी चाहिए, लेकिन संजू सैमसन अपने थोड़े से प्रॉस्पेक्ट्स को भी देखेंगे और क्योंकि वो थोड़े ज्यादा बड़े इंपैक्ट प्लेयर हैं, थोड़े ज्यादा बड़े कप्तान हैं, तो वो खुद को ही नंबर 4 पर खिलाएंगे। लेकिन मेरा ओपिनियन यहां पर थोड़ा सा अलग है। आपको रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ी को एज अ फिनिशर जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। जो आप टीम इंडिया के लिए एज अ फिनिशर देखे जा रहे हो इन द T20 एंड इन द ODI फॉर्मेट, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडियन टीम और RRR का यहाँ पर कंपैरिजन करो बिकॉज फ्रेंचाइजी क्रिकेट अलग होती है, उसकी डिमांड्स अलग होती है, बट अगर आप उस रोल में केपेबल हो तो आप ऐसे यंग खिलाड़ी को जबरदस्ती नंबर 6 नंबर 7 पर फंसा रहे हो। फिर जब वो परफॉर्म नहीं करता तो उनको काफी ज्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ता है। अभी हमने देखा उन्होंने अपने स्टेट असम के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी की, मेरे ख्याल से विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरीके से रन उन्होंने बनाए थे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। तो आप रियान पराग हो गए, पड्डिकल हो गए, इनको थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करवाओ, थोड़ा सा लाइसेंस दो और खुद थोड़ी सी जिम्मेदारी लो। शिमरन हेटमायर को भी आप नीचे बल्लेबाजी कराते हो जबकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। हालांकि उन्होंने अपना गेम जरूर इंप्रूव किया है लोअर डाउन द ऑर्डर, लेकिन मेरा यही मानना है कि संजू सैमसन को जब जरूरत पड़े तो ऊपर जरूर आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें कोशिश करनी होगी कि वो खुद नंबर 5 पे खेलें, पड्डिकल को नंबर 3 पर खिलाएं, रियान पराग को नंबर 4 पर खिलाएं, और ऐसे करके आप युवा खिलाड़ियों को थोड़ा सा लाइसेंस दोगे, उनके ऊपर से प्रेशर कम होगा और आप एज अ मेन प्लेयर नंबर 5 पर जरूर खेल सकते हो। तो अब अगर राजस्थान रॉयल्स की रेटिंग की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने ऑक्शन की शुरुआत की थी, कुछ अजीबोगरीब बिडिंग लगाई थी, मन में तो मेरे याद आता कि 3.5 नंबर इनको मैं दे दूं, लेकिन क्योंकि जेसन होल्डर को इन्होंने अपने स्क्वाड में खरीद कर एक बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट की है जो कि लास्ट टाइम ये लैक कर रहे थे और पिछले बार के रनर अप भी हैं, बैटिंग में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, तो मैं इनको 10 में से 7.5 नंबर जरूर दूंगा बिकॉज जो रूट का थोड़ा सा डिसीजन मेरी समझ में नहीं आया है उसकी जगह आप किसी और खिलाड़ी को टारगेट कर सकते थे और जो इन्होंने उससे पहले हैरी ब्रुक वगैरह पर किया था अगर वहां पर ये फंस जाते तो इनको लेने के देने पड़ जाते, तो थोड़ी सी दिक्कतें जरूर है टीम में, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बैलेंस प्लेइंग 11 नजर आ रही है, थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, तो मेरे हिसाब से 10 में से 7.5 नंबर राजस्थान रॉयल्स के जरूर बनते हैं। तो अब राजस्थान रॉयल्स के इस पूरे स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या पिछले साल की फाइनलिस्ट इस साल दूसरी बार आईपीएल के चैंपियन बनने में कामयाब हो गई या फिर इस बार भी थोड़ा सा मामला डामाडोल ही रहेगा। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज सभी टीमों का तकरीबन यहां पर ऑक्शन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक एक करके सभी टीमों का ऑक्शन रिव्यू देखो बिकॉज हर टीम यहां पर आपस में कनेक्टेड है और ऐसे ही करते करते
हफ्ते हम एक नई सीरीज भी आपके लिए लेकर के आएंगे। एंड माइंड यू, नए साल में इस चैनल पर बहुत कुछ नया होने वाला है। आई एम प्लानिंग वेरी बिग थिंग्स फॉर यू ऑल, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।